हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन एक सोच में आपका वापस से स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और मेरी नई वीडियो का इंतजार भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ नई चीज़ के साथ आया हूँ। नई चीज़ क्या है? क्या होता है स्मार्ट स्टडी? क्या ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना स्मार्ट स्टडी कहलाता है या फिर ज़्यादा स्मार्ट स्टडी कहलाता है? कम टाइम पे ज़्यादा स्टडी करना स्मार्ट स्टडी कहलाता है? क्योंकि आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ना देखते होंगे, हर कोई आजकल स्मार्ट स्टडी के बारे में बात करता है, लेकिन एक्चुअल रीजन कोई हमें समझाता ही नहीं है कि आखिर होता क्या है स्मार्ट स्टडी। और स्मार्ट स्टडी में ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे कि मैंने सिर्फ स्मार्ट स्टडी करके 3 महीने में सीजन निकाल लिया, 6 महीने में सीजन निकाल दिया। और डिफरेंट टाइप्स के, मतलब बहुत ही तरह के आपको मिलेंगे कि स्मार्ट स्टडी से निकाला सीजीएल, स्मार्ट स्टडी से निकाला जेई। ये जो वीडियो है ना, सबसे पहले आपको बता दूँ, इस वीडियो का मकसद सिर्फ पॉजिटिव है, इसीलिए नेगेटिव बिल्कुल मत समझ। और ये वीडियो हर एज ग्रुप के लिए, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और आप चाहते हो कि ये वीडियो को, तो आप अपने छोटे भाई के साथ भी शेयर कर सकते हो, यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ, मतलब जितने भी लोग किसी ना किसी तरह से तैयारी कर रहे हैं कुछ चीज़ का भी। कोई 9th की तैयारी कर रहा होगा, कोई 10th की तैयारी कर रहा होगा, मतलब डिफरेंट टाइप्स की जितने भी तैयारी करे लोग, आप लोग चाहो, अगर आप लोग यूजफुल मानते हो स्मार्ट स्टडी को, बताऊँ तो आप इस वीडियो को पहले ही 3 लोगों के पास, अपने 3 फ्रेंड्स जिसे आप यूनिक मानना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि इसका कुछ भला हो जाए, तो आप शेयर कर सकते हो। और स्मार्ट स्टडी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। पहले थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए जुड़े हो तो सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा लगता है तो ही करना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आज स्मार्ट स्टडी के बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि आखिर होता क्या है स्मार्ट स्टडी। थोड़ी सी वीडियो देर होगी, बाकी सब कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कुछ भी हो सकता है स्मार्ट स्टडी के बारे में, जिसके रिलेटेड भी आपकी कितनी भी थ्योरी होगी, मैं सारी थ्योरी को ना एक प्रूफ आपको दूंगा और आप लोग स्मार्ट स्टडी का एक्चुअल मीन समझ पाओगे। आप लोग हवा में बहते नहीं चले जाओगे कि स्मार्ट स्टडी होता क्या है, ऐसा होता है क्या स्मार्ट स्टडी। इसलिए तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है स्मार्ट स्टडी? तो आज हम स्मार्ट स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से भी सुना होगा स्मार्ट स्टडी ये होता है। क्या एक्चुअल में होता है ये स्मार्ट स्टडी कि हम कम घंटे पढ़ के ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज को गेन कर लेते हैं, ये होता है क्या स्मार्ट स्टडी? अगर वैसा अगर बात करोगे तो देखो, यूट्यूब में ढेर सारे टीचर हैं जो आपको स्मार्ट स्टडी के बारे में अपने कोर्सेज में बताते हैं कि मेरा कोर्स कर लो, मैं स्मार्ट स्टडी से करवाता हूँ, स्मार्ट अप्रोच से करवाता हूँ। लेकिन ये सब स्मार्ट स्टडी नहीं है। ये आपको एक डार्क रियलिटी आपको बताना चाह रहा हूँ जो स्मार्ट स्टडी के मार्केट में फैलाया जा रहा है। स्मार्ट स्टडी ये होता ही नहीं जो आप लोगों को बताया जा रहा है, जो दिखता है वो एक्चुअल में कभी सत्य होता ही नहीं है। लेकिन आप तो जानते हो, आप किस चैनल को फॉलो किए हो, आप तो जानते हो कि मैं जो भी नॉलेज होगा ऑथेंटिक रूप में मैं बताऊँगा। तो मुझे स्मार्ट स्टडी के बारे में, मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च से पता चला कि जितने भी लोग स्मार्ट स्टडी के बारे में बताते हैं वो सब सारे होते हैं झूठ, फ्रेप। आपको सिर्फ एक तरह का मार्केट समझा जा रहा है, आप लोगों को भीड़ समझा जा रहा है जिसको किसी ना किसी मार्केट के तौर पे आपसे कुछ सेल करवाना चाहते हैं। चाहे स्मार्ट स्टडी के कारण बच्चे उनके पास भागे दौड़े जा रहे हैं या फिर स्मार्ट अप्रोचेस का नाम देके, स्मार्ट स्टडी ये नहीं होता है। तो चलिए आज हम आपको डिटेल में बताते हैं स्मार्ट स्टडी होता क्या है। स्मार्ट स्टडी वो होता है जो आपको रेलिवेंट टॉपिक पर है। स्मार्ट स्टडी वो होता है जो कि आपको एग्जाम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए, ना कि एकदम टफ टफ क्वेश्चन करवाए जा रहे जिसका एग्जाम से रिलेवेंट है ही नहीं। स्मार्ट स्टडी वो होता है जो आपको कम क्वेश्चंस में आपको वो पूरे सारे कॉन्सेप्ट को सिखा दे। स्मार्ट स्टडी वो होता है जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अगर आप किसी चीज की सब्जी बना रहे हो, होटल में गए, मान लो सपोज करो होटल ए है होटल बी है, दोनों को मैंने दोनों को सेम पनीर की सब्जी बनाने को बोला, दोनों को मैं सामग्री है वो सामने सबको सेम चीज दी, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों को जब मैंने दे, लेकिन दोनों होटल में डिफरेंस आपको मिलेगा कि एक होटल के खाने को आपको ज्यादा टेस्टी मिलेगा और एक होटल के खाने में थोड़ा कम टेस्टी मिलेगा। मैंने मटेरियल दोनों को सेम दिया है, बट बाकी वैसा हो क्यों रहा है? तो हो इसलिए रहा है कि जो होटल ए था वो हर चीज को टाइम सीक्वेंस वाइज कर रहा था, हर चीज को सीक्वेंस में समझ रहा था कि पहले प्याज भूनना है तो प्याज पहले भूनते हैं, उसके बाद ऐसे सीरियल वाइज बनाता है। इसके कारण जो होटल ए का जो सब्जी था वो काफी टेस्टी देखने को मिला, लेकिन होटल बी ने वैसे नहीं किया, वो सारा एक साथ
बना दिया, इसलिए टेस्टी नहीं हुआ। इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर टीचर अपने आप में 100% होता है, इसलिए मैं किसी टीचर का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग भी बातों को समझ रहे हो कि मेरे में भी आते हैं, मैं आपको अपनी जो भी मेरे में डाउट आते हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है आपको रेलिवेंट चीज़ों को पढ़ना। अगर रीजनिंग में जो जो टॉपिक्स अभी नहीं पूछे जा रहे, बहुत ऐसे टीचर है जो कि आपको इरेलीवेंट टॉपिक्स को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कहता है कि हमें रेलिवेंट टॉपिक्स की तरफ जाना चाहिए। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन करें तो आप सीजीएल के क्वेश्चंस को देखो और उसके बाद पता करो कि इसमें कौन कौन पूछता है, कौन कौन नहीं पूछता है। जो नहीं पूछता उसको स्किप मारो। वही अब इंग्लिश में फॉर्मेट होता है, इंग्लिश में भी वही चीज़ है। इंग्लिश में देखें, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे उस टीचर ने काफ़ी कुछ इंग्लिश का टीचर बनाने के ख्याल से बहुत अच्छा बनाया, कोच उनका बहुत ही अच्छा है, मैंने बहुत अच्छा। जब मैं एरर बनाने के गया तो एरर मुझसे कुछ बनता ही नहीं, घंटा कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या करूंगा मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट ऊपर के। बहुत ऐसे टीचर है जो कि आपको सेम चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको छाटना होगा। मैं अगर यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता किसी को भी, अगर आप पर्सनली पूछोगे तो मैं टेलीग्राम पे आपको जवाब दे दूंगा कि किसकी क्या पोल खोलनी है। मुझे पोल खोलना बड़ा अच्छा सा आता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी क्यों ही क्रिएट करना। सबका अपना अपना बैकग्राउंड है, किसी टीचर को अगर मुझे पसंद आया तो हो सकता है वो किसी और को पसंद आया होगा। स्मार्ट स्टडी यही कहता है कि जो आपको रेलिवेंट टॉपिक मिल रहा है, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जिससे आपका एरर बन रहा है, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में जैसे रेलिवेंट टॉपिक्स को जो पढ़ाया जा रहा है उस टीचर से पढ़ो। स्मार्ट स्टडी मैथ में यही कहता है कि मैथ्स में बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इररिलेवेंट पढ़ा दिए जाते हैं, जो कि जिसका ताल्लुक है नहीं। अगर बाई चांस आपका स्मार्ट स्टडी कहते हो तो जैसे आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मिनिमम जैसे देखते होंगे कि कुछ कुछ शिफ्ट में भी नहीं पूछे जा रहे। 2023 में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन देखने को मिला है, तो शिफ्ट वाइज उसका वेटेज खत्म है। इसका स्मार्ट स्टडी ये कहता है कि अगर आप कम टाइम में करना चाहते हो तो उस जो टॉपिक्स है उस पर थोड़ा स्किप भी मार सकते हैं, उसको कम क्वेश्चन लगाए हो गए, और जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछ रहे उसको आप रिविजन कर लो, उस टॉपिक्स पर ज़्यादा वेटेज करना। स्मार्ट स्टडी ये कहता है। स्मार्ट स्टडी का जीएस में भी ऐसे हो सकते हैं जो कि हर दिन पर दिन में, मैं किसी का टीचर का नाम लूंगा लेकिन आपको पता होगा कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे जो कि डेली उठ के एक कोई का क्लास देखते हैं, बहुत ही फेमस टीचर है, डेली करंट अफेयर्स लाते हैं, उन पर आपको 8-8 लाख व्यूज देखने को मिलेगा। क्या भाई इतना जरूरी है करंट अफेयर्स डेली देखना? स्मार्ट स्टडी ये नहीं कहता कि आपको डेली करंट अफेयर्स देखना है। आपको पता है कि शिफ्ट वाइज में सिर्फ 5 या 6 करंट अफेयर्स पूछेगा, तो आप 5 या 6 के चक्कर में आप वो जो 16 क्वेश्चन होंगे, 16 या 17 जो भी कर लो, एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उतने क्वेश्चन को आप स्किप मार दोगे और बाकी सब एक पांच क्वेश्चन के लिए आप मतलब लगे पड़े होंगे कि करंट अफेयर को पढ़ना है, ये फिर क्यों करना है। स्मार्ट स्टडी ये नहीं कहता, स्मार्ट स्टडी कहता है कि पहले आपको जो वेटेज है, जैसे अगर आपका हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज है तो हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पॉलिटी को पढ़ेंगे, ये सबको निपटाएंगे, ना कि आप करंट अफेयर के पीछे लगे मरे। करंट अफेयर का अगर 2 क्वेश्चन को भी अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो 5 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में, तो आपका वो बहुत ही बेनिफिट होगा। इसीलिए आप स्मार्ट स्टडी ये नहीं कहता है जो कि आपको बताया जा रहा है कि मैं स्मार्ट स्टडी से पढ़ा दूंगा मेरे पढ़ाए हुए 2000 क्वेश्चन। बहुत ऐसे टीचर हैं जो कि अनरेलीवेंट करके आपको 10,000-20,000 क्वेश्चन करे, उतने क्वेश्चन करने का जरूरत ही नहीं है। मैं आपको सीवियस कहता हूँ, प्रीवियस ईयर से बेटर जो भी आपको पढ़ा रहा है वो इरेलीवेंट पढ़ा रहा है, आपको काम कोई नहीं आने वाला। स्मार्ट स्टडी यही बताता है कि आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है, अपने प्रीवियस पेपर को चेक करना है कि प्रीवियस पेपर में क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। बाकी आप लोग अगर चाहते हो स्मार्ट स्टडी वही जो चलता आ रहा है तो आप लोग जा सकते हो, और मेरी वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिलता है तो इस वीडियो पे लाइक मैं एम करता हूँ 50 लाइक्स का। और बाकी किसी को भी कुछ भी पूछना है स्मार्ट स्टडी से रिलेटेड जो कि आप नहीं जानते हो, और तो पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हो कि मेरा क्या ओपिनियन है कि इसमें स्मार्ट स्टडी में कैसे मैं कर सकता हूँ, इंग्लिश का मैथ्स का इस समय स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाता है, तो मैं उसके लिए भी वीडियोज लाऊंगा आप लोग के डिमांड पे। पहले 50 लाइक्स अगर आप कर देते हो तो मैं समझूंगा कि वीडियोज मेरा सफल हुआ, अदरवाइज मैं इस वीडियोज बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियोज को अंत। अगर आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, स्मार्ट स्टडी के बारे में आपको सारा क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। और इस वीडियो के बाद भी अगर आप किसी और वीडियो की तरफ स्विच करते हो, इसका मतलब समझो कि आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। इससे अच्छा क्या ही समझा सकूं मैं स्मार्ट स्टडी के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, रीच बहुत कम जा रहा है और काफ़ी लोग जुड़ भी नहीं पा रहे से। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि चैनल पे विजिट तो करते हैं, देखते भी वीडियोज को, हेल्पफुल भी रहता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, सब्सक्राइब कर देना। आपको डेली बेसिस पे मैं आपको क्विज भी करवा रहा हूँ टेलीग्राम पे, अगर आप चाहो तो नीचे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन होकर देख सकते हो कि मैं रेलिवेंट क्विज भी करवाता हूँ जिसमें आपका तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। कंपटीशन एक सोच में आपका स्वागत है।